देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में दिनांक 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा ध्वज स्वयं क्रयकर झंडा संहिता का पूर्ण पालन करते हुए अपने घर कार्यालय को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। साथ ही अपने मित्रों रिश्तेदारों प्रेरित करूंगा। भारत माता की वंदे। अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान जो 13 से 15 अगस्त के बीच आयोजित हो रहा है उसके तहत जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उसी के तहत आज 7 तारीख को महिला एवं बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के माध्यम से एक प्रभात रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाली कार्यकर्ता सहायिका और आशा सहयोगिनियों के माध्यम से तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और उसी के तहत आज शपथ दिलाने का काम भी किया जाएगा। और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इन कार्यक्रम इस जिले कार्यकर्ताओं ने, आज अभी आप देखेंगे रैली आ रही है उसमें बहुत सारी बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया है। और ICDS और हेल्थ डिपार्टमेंट के दोनों अधिकारी और कार्यकर्ता हैं, जो स्टाफ है वो सब मौजूद है यहाँ पर। सर, शपथ जो दिलाई जा रही है वो किस चीज़ की शपथ दिलाई जा रही है? शपथ ये है कि 13 से 15 अगस्त के बीच में हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराए, इसी जागरूकता के लिए यह रैली का आयोजन किया जा रहा है। सर, रैली के आयोजन मकसद ये भी है कि सब लोगों में देशभक्ति की भावना। बिल्कुल, एक आज़ादी का अमृत महोत्सव एक बड़ा अभियान है जो आज देश को 75 साल आज़ाद होने के बाद लोग उसको एक दिल से देशभक्ति के माध्यम से उसको देखे और उसको जुड़े हर देश का व्यक्ति उस भक्ति उस माध्यम से, तो यह अभियान चलाया जा रहा है।